गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज पता है कितना टाइम हो रहा है? आज टाइम हो रहा है शाम के 7 बज चुके हैं और मेरा ब्लॉग जो है अब स्टार्ट हो रहा है आज। और खाने की तैयारी हो रही है, मैंने ये रख दिए हैं कुकर में आलू बॉयल होने, तो हम बनाएंगे दही के आलू और रोटी। गर्मी बहुत ज़्यादा है, रात में बहुत हल्की सी बारिश हुई है तो और ज़्यादा गर्मी लग रही है। देर से हो जाए, थोड़ा टाइम 1-2 घंटे अच्छी बारिश हो जाए, तेज़ हो जाए तो थोड़ा ठंडा भी हो, और भी ज़्यादा गर्मी हो गई है, बहुत ज़्यादा गर्मी है हमारे यहाँ। तो आलू हो चुके हैं हमारे बॉयल, तो मैं आलू को छील रही हूँ यहाँ पे और उसके बाद छौंक दूँगी। और गर्मी तो कई दिन से बहुत ज़्यादा है। आलू छील चुके हैं और यहाँ पे आइस वाली जो प्लेट होती है, ट्रे होती है, वो मैं भर के रख रही हूँ। मैंने यूज़ कर ली थी किसी में, हाँ फेस के लिए यूज़ कर ली थी, जिसका मैंने सॉल्ट बनाया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे मैं छौंक रही हूँ आलू। और आजकल खाना भी जो है शाम के टाइम तो बहुत ही कम खपता है गर्मी की वजह से, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है और उसके बाद 1/2 चम्मच जीरा डालूँगी और बस आलू को छौंक दूँगी। सभी के यहाँ बनते होंगे दही के मट्ठे के आलू, और हमारी यूपी में तो बहुत बनते हैं हर किसी के यहाँ। आलू तो हो चुके हैं हमारे रेडी और अब मैंने रखे हैं चावल बनने। रोटी बनाऊंगी, केवल 2-3 रोटियाँ बनाऊंगी, मैं तो केवल चावल खाऊंगी। सूरज भी चावल और आलू खाएगा, दही के आलू और चावल। बस दीक्षा के लिए 2 रोटी बना दूंगी बस, और बस चावल बनने वाले हैं। मैं ऐसे सेक देती हूँ रोटियाँ भी। तो ये है मेरा खाना, मैं अपना खाना ले आई हूँ। तो अपना तो हो गया खाना पीना और फ्री हो गई हूँ सब काम से, खाना भी खा चुकी हूँ और बस दवा रह गई है खाने के लिए। और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।